तो दोस्तों आज हम बात करेंगे ऐसी कौन सी बाइक से जो हमें लॉन्ग टूर लॉन्ग डिस्टेंस में ज्यादा सुटेबल रहेगी। आप लॉन्ग टूर किसी भी बाइक से किसी भी स्कूटर से कर सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपके पास कोई प्रीमियम सेगमेंट की बाइक होना जरूरी है। पर आपके पास अगर लॉन्ग टूर वाली बाइक रहेगी, लॉन्ग टूर बाइक में होता क्या है, उनमें कैपेबल इंजन होता है, खास डिजाइन होती है, इसकी वजह से आपकी सीटिंग पोस्चर सीटिंग पोजिशन पूरी तरह से लॉन्ग टूर करने के लिए डिजाइन की जाती है और आपका राइडिंग कंफर्ट भी अच्छा हो जाता है। ऐसी बहुत सारी बाइक्स अवेलेबल है जो आपको अच्छा माइलेज भी देती है, उनमें रिलायबल इंजन में मिल जाता है और लो बजट में भी आ जाती है। अगर हम प्रीमियम सेगमेंट की बाइक की बात करें तो इनसे ये बाइक काफ़ी सस्ती मिल जाती है हमारे इंडिया में। तो मैंने कुछ ऐसी 7 बाइक्स की लिस्ट बनाई है, तो वीडियो को आप अंत तक देखना। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 7 पे आ रही है बजाज एवेंजर क्रूज 220। ये बाइक क्रूजर सेगमेंट में आती है और ये चलाने में काफ़ी ज़्यादा ही कंफर्टेबल बाइक है लॉन्ग टूर करने के लिए। अगर इस बाइक का आप सिटिंग पोस्चर देखोगे तो काफ़ी आरामदायी है। अगर आप ज़्यादा लॉन्ग टूर करते हो तो आपके लिए ये बेस्ट बाइक रहेगी। इस बाइक को मैंने चलाया है तकरीबन 700 किलोमीटर। तो इस बाइक की मुझे एक बात अच्छी लगी कि इसका हैंडल बार की पोजीशन और फुटपैड की पोजीशन बहुत ही अच्छी तरह से दी गई है। इस वजह से आपको घुटनों में कोई तकलीफ नहीं होती है राइड करते वक्त। अगर हम इस बाइक के इंजन की बात करें तो इस बाइक में आपको 220 सीसी ऑयल कूल इंजन मिल जाएगा। ये इंजन 19 bhp पावर जनरेट करता है 17.5 nm टॉर्क के साथ। और इस बाइक की एक बात मुझे अच्छी लगी कि इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर डिजिटल दिया गया है। इस वजह से बाइक को चलाने में बहुत मज़ा आता है क्योंकि ब्राइट इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, तो रात के टाइम पे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर बहुत अट्रैक्टिव दिखता है। अगर हम इस बाइक की माइलेज की बात करें तो इस बाइक में आपको सिटी में 45-44 किलोमीटर तक माइलेज आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, और हाईवे की बात करें तो आप 51-52 किलोमीटर के आसपास आप माइलेज एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगर हम इसकी मुंबई में एक शोरूम प्राइस देखें तो 1,08,000 के आसपास आपको ये बाइक मिल जाएगी। 6 नंबर पे है यामाहा FZS25। ये बाइक 250 सेगमेंट की बाइक है और अभी ये BS6 वेरियंट में भी आपको अवेलेबल हो जाएगी। इस बाइक में आपको पुराने FZS25 से ज़्यादा अपडेट्स आपको इस बाइक में देखने को मिलेंगे। इस बाइक को मैंने जो फ्रंट लुक से देखा था तो बिकनी फेयरिंग मुझे बहुत ही अच्छा लगा था, और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें तो बहुत ही अट्रैक्टिव इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है, और हैंडल के ऊपर जो नकल गार्ड्स लगाए हैं वो बहुत ही अच्छी तरह से लुक प्रदान करते हैं बाइक को। इस बाइक में आपको 250 सीसी का ऑयल कूल इंजन मिल जाएगा और ये इंजन 20.5 bhp पावर जनरेट करता है विद 20 nm टॉर्क के साथ। टॉर्क ज़्यादा होने की वजह से आपको अपहिल राइड करने में ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी, और यामा का इंजन है तो यामा का इंजन बहुत स्मूथ रहते हैं और रिलायबल भी रहते हैं। अगर हम सिटी राइड और हाईवे राइड की बात करें तो आपको कोई ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी इस बाइक से, क्योंकि राइडिंग पोजीशन अपराइट होने की वजह से आपको कोई बैक पेन या हैंड पेन का इशू नहीं होगा। अगर हम पिलियन कम्फर्ट की बात करें तो पिलियन कम्फर्ट भी इस बाइक में बहुत अच्छी तरह से दिया गया है, क्योंकि सीट की डिज़ाइन बहुत अच्छी है, इसकी वजह से आप लॉन्ग टूर पिलियन के साथ भी आप इजीली कर पाओगे। अगर हम इसकी एक शोरूम मुंबई की बात करें प्राइस की तो 1,25,000 के आसपास आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। और अगर हम इस बाइक की माइलेज की बात करें तो सिटी में आप 43-42 किलोमीटर पर लीटर के आसपास, और हाईवे पे आप 49-50 किलोमीटर पर लीटर के आसपास आप माइलेज एक्सपेक्ट कर सकते हो। 5th नंबर पे है रॉयल इनफील्ड हिमालयन। ये बाइक रॉयल इनफील्ड ने, जिनको एडवेंचर मोटरसाइकिल पसंद है उनके लिए ये लॉन्च की गई थी, और इस बाइक को इंटरनेशनल लेवल पे बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला था। और जो लोग एडवेंचर करते हैं उनके लिए ये बाइक बहुत ही ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि इस बाइक को मैंने ऑन रोड और ऑफ रोड दोनों जगह चलाया है, तो ये बाइक ऑन रोड और ऑफ रोड अच्छी तरह से मैनेज करती है, क्योंकि इसका व्हील सेटअप बहुत ही अच्छी तरह से वर्क करता है। इस वजह से ये बाइक किसी भी टेरेन को अच्छी तरह से पार कर जाती है। अगर आप ऑन रोड और ऑफ रोड बेहतरीन परफॉर्मेंस चाहते हो तो आपके लिए रॉयल इनफील्ड हिमालयन एक बेहतरीन ऑप्शन रहेगा आपके लिए। अगर हम इस बाइक का इंजन की बात करें, इस बाइक में आपको 411 सीसी का इंजन मिल जाता है, और ये इंजन ऑयल कूल के साथ आता है, और ये इंजन पावर प्रोड्यूस करता है 24 bhp विद 32 nm टॉर्क के साथ। इस बाइक का टॉर्क ज़्यादा होने की वजह से आपको किसी भी कीचड़ वाला जो एरिया रहता है, ऑफ रोड एरिया रहता है, वहाँ से आप इजीली इस बाइक को निकाल सकते हो। अगर हम इस बाइक की प्राइस की बात करें तो एक शोरूम प्राइस आपको मुंबई में मिल जाएगी 1,40,000। 4 पे आ रही है KTM ड्यूक 390 एडवेंचर। ये बाइक का इंतज़ार काफ़ी समय से हो रहा था इंडिया में, क्योंकि ये बाइक ऑन रोड भी अच्छी तरह से चलती है और ऑफ रोड भी अच्छी तरह से चलती है। अगर आप ऐसी मोटरसाइकिल सर्च कर रहे हो जो हमें लॉन्ग ट्रिप के लिए अच्छा कम्फर्ट, अच्छा माइलेज और अच्छा परफॉर्मेंस देने की क्षमता रखती हो,
तो KTM 390 एडवेंचर आपके लिए अच्छा ऑप्शन रहेगा, क्योंकि इस बाइक से आप एडवेंचर टूरिंग भी अच्छी कर सकते हो और लॉन्ग ट्रिप भी आप अच्छी तरह से मैनेज कर सकते हो, क्योंकि इस बाइक का डिज़ाइन उस तरह से ही बनाया गया है कि आप दोनों तरफ मतलब ऑन रोड और ऑफ रोड इसको अच्छी तरह से मैनेज करके चला सकते हो। तो इस बाइक में आपको मिलता है 373 सीसी का लिक्विड कूल इंजन और ये इंजन पावर प्रोड्यूस करता है 43 पीएस की विद 37 एनएम टॉर्क के साथ। टॉर्क बहुत अच्छा है, इसकी वजह से आपको अपहिल राइड करने में ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी। अगर हम इस बाइक के फीचर्स की बात करें, इस बाइक में आपको स्लीपर क्लच मिल जाता है और अगर हम इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें तो TFT इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको मिल जाता है और ये बहुत इन्फॉर्मेटिव इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है। इसमें आपको नेविगेशन भी मिल जाता है। इस बाइक का हैंडल बार वाइड होने की वजह से आपके कंधों पे और हाथों पे एडवेंचर करते वक्त और लॉन्ग टूर करते वक्त कोई तकलीफ नहीं होगी। अगर हम इस बाइक की माइलेज की बात करें तो ये बाइक आपको 33-32 किलोमीटर पर लीटर सिटी में और हाईवे पे आपको 37 किलोमीटर पर लीटर तक का माइलेज आराम से दे देगी। अगर आपका बजट 3 लाख के आसपास है तो ये आप पावरफुल मशीन ले सकते हो। नंबर थर्ड पे है बेनेली इंपेरेले 400। ये बाइक इंडिया में रिसेंटली ही लॉन्च हो चुकी है और इस बाइक में प्रॉपर क्रूजर एलिमेंट्स यूज़ किए गए हैं और इस बाइक को मैंने देखा था तो इसकी हैंडलिंग डायमेंशन काफ़ी बढ़िया है और जो लोग प्रीमियम सेगमेंट की मोटरसाइकिल लेने की सोच रहे हैं, जो लॉन्ग टूर में भी उनको अच्छी राइड क्वालिटी दे और सिटी राइड में भी अच्छी तरह की राइड क्वालिटी दे, तो बेनेली इंपेरेली 400 उनके लिए अच्छा ऑप्शन रहेगा। अगर बेनेली की ब्रांड की बात करें तो बेनेली की बाइक का सेल्स ऑल ओवर वर्ल्ड में बहुत ही अच्छा है, क्योंकि बेनेली सब प्रीमियम सेगमेंट की बाइक्स बनाते हैं, उसमें से इंपेरेली 400 ये बाइक आती है। इस बाइक को मैंने जब अच्छी तरह से नोटिस किया तो मुझे महसूस हुआ कि इस बाइक में जो स्पेयर पार्ट्स यूज़ किए गए वो अच्छे क्वालिटी के और अच्छी प्रीमियम क्वालिटी के यूज़ किए गए हैं। अगर हम बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो बिल्ड क्वालिटी भी बहुत बढ़िया है इस बाइक में। अगर आप कोई ऐसी बाइक देख रहे हो कि जो आपको ज़्यादा समय के लिए यूज़ करनी है तो बेनेली इंपेरेले आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन है। अगर हम इंजन की बात करें तो इस बाइक में आपको 374 सीसी का इंजन मिल जाएगा और ये इंजन 20.7 bhp पावर जनरेट करता है विद 20 nm टॉर्क के साथ। सिर्फ ये बाइक का मुझे ड्रॉबैक लगा कि इसमें ट्यूबलेस टायर नहीं दिए गए, ट्यूब टायर दिए गए, तो ये थोड़ा ड्रॉबैक है। अगर हम परफॉर्मेंस और ब्रेकिंग की बात करें तो ये बाइक परफॉर्मेंस और ब्रेकिंग में बहुत ही अच्छी तरह से वर्क करती है। अगर हम इस बाइक से माइलेज एक्सपेक्ट कर सकते हैं 41 किलोमीटर पर लीटर तक का सिटी में और हाईवे पे हम 46-45 किलोमीटर पर लीटर तक का माइलेज एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर हम इसकी प्राइस की बात करें तो मुंबई में 1.69 लाख के आसपास इसकी एक शोरूम प्राइस रहने वाली है। सेकेंड नंबर पे आती है रॉयल इनफील्ड इंटरसेप्टर 650। रॉयल इनफील्ड हमेशा ही क्रूजिंग सेगमेंट की बाइक बनाते आ रहा है और उसमें से एक है इंटरसेप्टर 650 और इस बाइक को बाइक ऑफ द ईयर भी मिला था, तो आप समझ सकते हो कि इस बाइक को कितना ज़्यादा पसंद किया गया था। ये बाइक लॉन्ग टूर आप करते हो तो आपके लिए बेहतरीन बाइक रहने वाली है, क्योंकि इस बाइक में आपको कन्वेंशन हैंडल बार मिलते हैं, ना ही क्लिप ऑन हैंडल बार, तो इस वजह से आपको हैंड पेन, बैक पेन और कंधों पे ज़्यादा पेन महसूस नहीं होगा आप ज़्यादा देर तक इस बाइक को चलाओगे तो। इस बाइक की मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी कि इसमें 2 सिलेंडर मिल जाते और 2 एग्जॉस्ट भी मिल जाते। अगर इस बाइक को आप हाई स्पीड पे चलाओगे जो एग्जॉस्ट से जो साउंड आता है ना, आपको लगेगा कि आप कोई हार्डली डेविडसन या प्रीमियम सेगमेंट की बाइक चला रहे हो और इस बाइक में आपको वाइब्रेशन ज़रा भी फील नहीं होगे जैसे रॉयल इनफील्ड की ऑल अदर बाइक्स में आपको वाइब्रेशन फील होते हैं, क्योंकि इस बाइक के ऊपर रॉयल इनफील्ड ने बहुत ही अच्छी तरह से काम किया है। अगर आप इस बाइक को हाई RPM पे भी चलाओगे तो आपको नॉर्मली वाइब्रेशंस महसूस होंगे, वो भी आप निगलेक्ट कर सकते हो, इतने ज़्यादा वाइब्रेशंस फील नहीं होते हैं। अगर हम इंजन की बात करें तो इस बाइक में 646 cc का इंजन दिया गया है विद ऑयल कूल विद 2 सिलेंडर। ये इंजन पावर प्रोड्यूस करता है 47.65 bhp 52 nm टॉर्क के साथ। इस बाइक का टॉर्क भी बहुत अच्छा है। अगर हम इस बाइक की मुंबई में एक शोरूम प्राइस देखें तो 2.56 लाख तक आपको जाएगी। नंबर वन पे कौन सी बाइक आ रही है, बहुत सारे लोगों ने गेस भी किया होगा। नंबर वन पे आती है बजाज डोमिनार 400। बजाज क्लेम करती है कि ये बाइक पावरफुल क्रूजर बाइक है, शायद ये बात सही भी है, क्योंकि इस बाइक से मैंने मुंबई टू गुजरात राइड किया था तो 140 किलोमीटर तक मुझे कोई भी ना बैक पेन हुआ था, ना हैंड पेन हुआ था, ना घुटनों पे दर्द हुआ था, क्योंकि इस बाइक की सीटिंग पोजीशन भी बहुत ही अच्छी है और अगर सीट की कुशनिंग भी देखोगे तो बहुत ही बढ़िया दी गई है, क्योंकि इस सेगमेंट में इतनी लो प्राइस पे कोई भी बाइक आपको नहीं मिलेगी
जो अच्छी पावर, अच्छा माइलेज और अच्छा कंफर्ट देती हो। अगर आप किसी भी मोटरसाइकिल एक्सपर्ट्स को पूछोगे कि मुझे लॉन्ग टूर के लिए कौन सी बाइक चाहिए जो मुझे लो मेंटेनेंस, अच्छा माइलेज और अच्छा कंफर्ट दे, तो आपको बजाज डोमिनर 400 या प्रीफर करेंगे। आप अगर सिटी में राइड करते हो तो भी आपको ये बाइक कंफर्टेबल है। आप हाईवे पे भी राइड करते हो तो ये बाइक आपको हाईवे पे भी अच्छा कंफर्ट दे देगी। ऑफ रोड को आप सोचो मत, क्योंकि ये ऑफ रोड बाइक है नहीं, ऑफ रोड में आपको इतना परफॉर्मेंस इससे अच्छा नहीं मिलेगा। अगर हम इंजन की बात करें तो इस बाइक में आपको 373.3 सीसी का इंजन मिल जाता है। वो इंजन 14 BHP पावर प्रोड्यूस करता है विद 30 Nm टॉर्क के साथ। अगर हम इस बाइक की मुंबई में प्राइस एक्सपेक्ट करते हैं तो 1.96 लाख आपको एक शोरूम प्राइस इसकी मिल जाएगी। अभी बजाज ने डोमिनर 250 को भी लॉन्च कर दिया है। अगर आप बजाज 400 की माइलेज से आप संतुष्ट नहीं हो तो बजाज डोमिनर 250 को भी आप देख सकते हो। इस बाइक में आपको 248.77 सीसी का इंजन मिल जाता है और वो इंजन 27 BHP पावर जनरेट करता है। अगर हम इस बाइक की फ्यूल इफिशेंसी से बात करें डोमिनर 250 की, तो आपको सिटी में 42 किलोमीटर पर लीटर तक माइलेज एक्सपेक्ट कर सकते हो और हाईवे पे 45-44 किलोमीटर तक आप माइलेज एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगर हम बजाज डोमिनर 400 की माइलेज की बात करें तो सिटी में 33 किलोमीटर पर लीटर और हाईवे पे 39 किलोमीटर पर लीटर तक का माइलेज एक्सपेक्ट कर सकते हो। दोनों ही बाइक बहुत ही अच्छी है। बजाज डोमिनर 250 अपने सेगमेंट में अच्छी है और डोमिनर 400 अपने सेगमेंट में अच्छी है, पर डोमिनर 250 में आपको माइलेज अच्छा मिलेगा और डोमिनर 400 में आपको पावर अच्छी मिलेगी। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और आखिर में चैनल को सब्सक्राइब करना आप ना भूलना, क्योंकि मैं मोटरसाइकिल और स्कूटर रिलेटेड वीडियोस अपने चैनल पे लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।